हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएस। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो बना है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। ये मेरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज चल रहा है, जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सारों को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जीएस को। चलिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, एक्चुअली वर्ल्ड बैंक करता क्या है, वर्ल्ड बैंक है क्या, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये पैसों का एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोन देता है और ग्रांट्स देता है किसको, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, गरीब देशों को, और मिडिल इनकम वाले देशों को क्या करता है, लोन देता है सस्ते रेट में। अब आगे का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक मतलब ये क्या है, इसका कलेक्टिव नाम क्या है, मतलब ये दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके बना हुआ है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है आईडीए, और आईबीआरडी से मिलकर बना हुआ है वर्ल्ड बैंक। अब देखेंगे इसका स्टेबलाइज्ड, मतलब स्टेबलाइजमेंट के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसका जो इट वाज स्टेबलाइज्ड अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही साथ, मतलब इसको भी स्टेबलाइज किया गया था, और कब, 1944 में, जब ब्रिटेन वुड्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम इसको स्टेबलाइज किया गया था। और इसका जो फर्स्ट लोन जो है वो किसको दिया गया था, फ्रांस को दिया गया था, कब, 1947 में दिया गया था। वर्ल्ड बैंक का फर्स्ट लोन का किसको दिया गया था, फ्रांस को, 1947 में। अब देखें दोस्तों, इसका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, मतलब अमेरिका में है। और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, डेविड मालपास, जो डेविड मालपास है ये है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको फाउंड कब किया गया था, जुलाई 1944 में इसको फाउंड किया गया था वर्ल्ड बैंक को, जो कि ब्रिटेन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वहीं पर इसको मतलब फाउंड किया गया था, न्यू हम्पाशायर है ब्रिटेन, न्यू हम्पाशायर में, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब देखेंगे सर इसका मोटो क्या है, मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन से इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। अब इसका फाउंडर कौन कौन थे, जॉन माइनार्ड कैनिस और हैरी डेक्स्टर वाइट इसके फाउंडर हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है वर्ल्ड बैंक का लोगो, द वर्ल्ड बैंक। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जीएस को, ताकि मैं और भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।